साथ है यहाँ पर सर्वे में जो सवाल पूछे गए जनता से उन पे क्या क्या जवाब दिए वो उनमें से कुछ मुख्य सवाल ले लेते हैं। एक सवाल था, आप पीएम मोदी और केंद्र सरकार के प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं, आप पीएम मोदी और केंद्र सरकार के प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं, ये सवाल था। इस सवाल के जवाब में 80% लोगों ने कहा बहुत संतुष्ट, 10% लोगों ने कहा न संतुष्ट न असंतुष्ट, 5% लोगों ने असंतुष्ट बताया और बहुत ज्यादा असंतुष्ट कहने वाले भी 4% थे। 1% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि इस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कहना चाहते या कुछ नहीं कह सकते। तो 80% बहुत संतुष्ट, 80% लोग ऐसे थे, 80% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो बहुत संतुष्ट हैं पीएम मोदी और केंद्र सरकार के प्रदर्शन से। इसीलिए शायद ये आंकड़े भी जो हैं राज्यवार जो हम देख रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं। एक सवाल था, क्या आप बीजेपी को मोदी की वजह से वोट करना चाहेंगे, करेंगे चाहे आपकी सीट पर कोई भी उम्मीदवार हो, क्या आप बीजेपी को पीएम मोदी की वजह से वोट करेंगे चाहे आपकी सीट पर कोई भी उम्मीदवार हो, तो 85% लोगों ने कहा हां हम बीजेपी को इसलिए सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर वोट करेंगे चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। 11% ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है और 4% ने कहा कि नहीं कह सकते। एक सवाल और लेते हैं, ये सवाल इसलिए क्योंकि इसे अंदाजा लग रहा है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, जो हम बात कर रहे थे उनसे कि आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप किस नेता पर विश्वास करते हैं। उसमें 59% लोगों का जवाब था नरेंद्र मोदी, 21% लोगों का जवाब था राहुल गांधी और 9% लोगों का जवाब था अरविंद केजरीवाल। 59-21-9। किशोर, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इस पर खुद कहा था कि सिर्फ मोदी और मंदिर पे भरोसा नहीं करना, लेकिन बावजूद उसके सतीश जी लोग जो हैं अभी सतीश जी बार बार कह रहे हैं, बार बार सतीश जी कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंशियल टाइप का चुनाव है, व्यक्तिवादी चुनाव हो चुका है, ये पीएम के नाम पर ही या मोदी के नाम पर ही चुनाव हो रहा है और वो कैंडिडेट कौन है इसलिए इतना असर नहीं पड़ रहा है। रीना जी कह रही है उनके दिल्ली में जो एमपी थे उनके लोग नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन लोग उन नामों पे वोट ही नहीं कर रहे हैं, लोग पीएम मोदी के नाम पे ही वोट कर रहे हैं। सतीश जी, यस, ये तो मैं तो कह ही रहा हूं कि बीजेपी का मतलब आज मोदी, ये बात है। अब वो लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है नहीं है ये सब सवाल है, लेकिन सारा कुछ प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आ चुका है और इसका और एक और इसका एक फ्लिप साइड ये ना कि दूसरी तरफ कोई चेहरा नहीं है उस तरह से। नहीं नहीं, चेहरे की बात नहीं है, चेहरे की बात नहीं, मैंने कहा ना ये 3 बार तो INDIA टूट गया और 3.5 में आप रखिए तो भाई पंजाब में है नहीं है, दिल्ली में है, केरला में है, मतलब नहीं है नेशनल लेवल पर। वो रणनीति भी तो हो सकती है ना, देखिए रणनीति हो सकती है, देखिए रणनीति, देखिए हम उन वाले में से नहीं है, हम रणनीति नहीं, हम नीति पे जाते हैं। तो नीति के आधार पर अगर लोकतंत्र चलना है तो वो एक विषय है, लेकिन ये बात आप सही है कि जैसे ही आप डिले करेंगे और जैसे ही जो है आप एक दूसरे का पक्ष लेने लेकेंगे, अपना अपना टर्फ अपना जमीन पर देखेंगे, तो हमने तो 77 और 89 का चुनाव देखा है, चुनाव तैयार विपक्षी चैलेंज में 1 साल पहले हो जाता है और ये विपक्षी खेमे की स्थिति ये है, तो फिर बसता क्या है जी, फिर बसता मोदी और ये पूरी रणनीति है। और इतना एग्रेसिव है भाजपा, भाजपा नहीं कहूंगा, मोदी जी की मशीनरी बहुत एग्रेसिव है कि आपको कहीं पर जगह नहीं दे रही। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, तैयारी रणनीति एग्रेशन वो नहीं है, वो नहीं दिख रहा है। अब सतीश जी हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, एक शेर है इनके लिए, कहते हैं दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत के अगर छोड़ दे, वार कर रहा है तो कर सीधे पे कर, दुश्मनी कर दगा छोड़ दे। हमारी रणनीति और हमारी नीति, हम रणनीति बताएंगे तो नीति बतियाने लगेंगे, नीति बताएंगे रणनीति, भाई हमारी रणनीति, हम तो कमजोर नहीं है सतीश जी, आज की डेट तभी तो विपक्ष में बैठे हैं, अगर मजबूत होते तो आप हमारी क्या नाम आज की डेट में तारीफ कर रहे होते, मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे होते, क्योंकि मोदी जी कमजोर होते। हम आपको पहली चीज बता रहे हैं, ये देश प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं था, ना है, ना रहेगा। सुरेंद्र जी, पर इतने कंफर्टेबल क्यों महसूस करते हैं विपक्ष में आप अपने आप को, बार बार आप ये कहते हैं हम विपक्ष में बैठे हैं, हमेशा विपक्ष में बैठे रहना है क्या? देखिए दो चीजें बड़ी साफ, सुधांशु जी 10 मिनट बोलते हैं, आप एक बार भी बीच में नहीं पूछते, सतीश जी 3 मिनट बोलते हैं, एक बार नहीं पूछते। आप देखिए जवाब दीजिए, इल्जाम लगाना छोड़िए, लगते हैं जाकर अब 5 सेकंड में आप हमको टोकने लगते हैं। अच्छा चलिए बोलिए, हमें खाली बैठा करके रखना है। अच्छा चलिए बोलिए बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए 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 बोलिए, आप बीच में क्यों टोक देते हैं? ठीक बोलिए, आप ही वरिष्ठ नहीं है, हमारे भी वरिष्ठ,
हम आपको बहुत साफ बता रहे हैं, हम अपना मत बता रहे हैं आपको। अब सतीश जी ने कह दिया कि साहब ये तो भारत जोड़ों की अन्याय यात्रा है, अब सतीश जी की दृष्टि खराब हो गई है, दृष्टिकोण खराब हो गया। अरे देखिए गलत गलत, मैंने कहा कि आप लोगों ने विपक्षी पार्टियों ने एक दूसरे के साथ अन्याय की यात्रा की है, हमें तो आज ये हालत नहीं होती, आप हालत नहीं होती, अगर हमने कमियां नहीं होती तो कहां से हालत होती, आप बोलने लायक हमने कमियां नहीं, हमें तो कमी आई है, हम इस बात को तो बच रहे हैं आपकी, पहले ही लड़ लेते शुरू में कह देते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है ना, आप बात कर रहे हैं, आप बात करते हैं न्याय सुरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही, हम वापस आपके पास लौटेंगे। हर्षवर्धन जी देखिए दिक्कत क्या है, जनता को कंफ्यूज नहीं कर रहा है गठबंधन, बंगाल में क्या हो रहा है, ममता अकेली लड़ेंगी, ऐसे में जनता कंफ्यूज होती है, ये मानते हैं आप? नहीं निश्चित तौर पर, और देखिए जो मैंने शुरुआती टिप्पणी में कहा मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने ये गठजोड़ बनाने की पूरी कोशिश की, अब आप उसको कहें कि वो कमजोर है, जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि हम बहुत कमजोर ना होते तो आज ये बात क्यों होती, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं जिनको बहुत अच्छे से पता है कि भैया वो कांग्रेस के हिस्से पर ही तो मजबूत हुए हैं, उन्हीं का हिस्सा खा खा कर तो इतने बड़े हो गए हैं, उनको बहुत स्पष्ट तौर पर दिखता है। और देखिए जिस पार्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने एक बार भी कांग्रेस के साथ बात नहीं की, आप इतनी देर में, मैं फिर से कह रहा हूं, दर्शक इतनी देर से देख रहे होंगे, एक बार भी उनके साथ की बात नहीं की है। उन्होंने कहा 13 की 13 सीटें पंजाब में जीतेंगे, सुरेंद्र राजपूत जी ने सदाशयता दिखाई, वो कह रहे 13 हमारा गठजोड़ जीतेगा, दोनों का फर्क है। अब ये फर्क लेके जब आप जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं हमारी तो रणनीति है, हम यहां कमजोर हैं यहां मजबूत हैं, जनता ऐसे नहीं देखती है। और देखिए मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं, कई बार ये कहा जाता है कि क्यों आप लोग इंडी बोलते हैं, भैया देश का नाम तो किसी गठजोड़ को हम नहीं बोल सकते पत्रकार के तौर पर, आप टूटते रहेंगे और हम रोज रोज इंडिया बोलेंगे और देश टूटता रहेगा, ये संभव नहीं है। आप अपने गठजोड़ का नाम कुछ भी रखिए, वो जरूर पत्रकार बोलेंगे, लेकिन आप देश का नाम रख के रोज रोज टूटेंगे। क्यों नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, क्यों उस नाम पर दूसरे सहयोगी सहमत नहीं थे,